हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंसेप्ट सीरीज का लेक्चर नंबर 7। ठीक है, तो आज कल कार्बोकेटायन हम पढ़े थे, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बेनायन। ठीक है, कार्बेनायन के बारे में, कार्बेनायन क्या होता है उसको समझते हैं पहले। देखिए, कार्बेनायन का पहले स्ट्रक्चर बनाकर हम आप लोग को दिखाते हैं। ठीक है, कार्बेनायन यहाँ पर हम लिख सकते हैं। ठीक है, कार्बेनायन, ठीक है, कार्बेनायन हिंदी भी इसका यही होता है, कार्बेनायन ही। ओके, तो जाइए आइए इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग। ठीक है, स्ट्रक्चर होता है कार्बन, और इसके पास एक निगेटिव चार्ज होता है। ओके, निगेटिव चार्ज होता है। देखिए, अब समझिए, प्लस आई इफेक्ट लगा के हम लोग इसका स्थायित्व की तुलना करेंगे लोग। ठीक है, इसका कार्बेनायन का आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी। देखिए, ये कार्बेनायन का फॉर्मूला हो गया हमारा। ठीक है, देखिए, कार्बेनायन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, कोई भी मॉलिक्यूल के पास 8 ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, तो वो क्या होता है, स्टेबल होता है। तो ये क्या है, देखिए, 2, 2, 4, 2, 6, एक निगेटिव चार्ज भी है, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, अगर प्लस आई इफेक्ट लगाएंगे, प्लस आई इफेक्ट लगाएं तो क्या करेगा, इसको धक्का देगा। प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, धक्का देता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला होता है प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन जो कार्बन है, कार्बन पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ जाने के कारण कार्बन अस्थायी होगा, तो इसको हम कह सकते हैं कार्बेनायन पर हम प्लस आई इफेक्ट लगाएंगे, जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट लगाएंगे उतना इसका स्टेबिलिटी क्या होगा, स्टेबिलिटी क्या होगा, इसके स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा। ठीक है, घटेगा, यानी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कार्बेनायन पर प्लस आई इफेक्ट लगाएंगे, प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, कार्बन श्रृंखला का चयन होता है। ठीक है, आइए एक आप लोग को एग्जाम अगर देखिए, और कार्बेनायन जो है, कार्बेनायन पर हम क्या करेंगे, कार्बेनायन पर अगर माइनस आई इफेक्ट लगा रहे हैं, हम माइनस आई इफेक्ट लगा रहे हैं, तो माइनस आई इफेक्ट क्या करता है, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है, यानी इस पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी, इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ठीक है, ठीक है। तो अगर माइनस आई इफेक्ट लगाएंगे तो माइनस आई इफेक्ट अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगा, इस पर कम हो जाएगा, तो इसका लोड कम हो जाएगा, यानी माइनस आई इफेक्ट आएगा तो क्या करेगा, इसका स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। तो यहाँ लिख सकते हैं, माइनस आई इफेक्ट स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, इंक्रीज कर देगा, यानी बढ़ा देगा, यहाँ क्या करेगा, घटा देगा प्लस आई इफेक्ट लगाने से। तो आइए एक एग्जांपल आप लोगों को देकर हम बता सकते हैं। देखिए, और इसका हाइब्रिडाइजेशन देख लीजिए, हाइब्रिडाइजेशन होता है, देखिए, एक हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या गिनते हैं, पॉजिटिव चार्ज नहीं गिनते हैं, लोन पेयर गिनते हैं, या और सिग्मा बॉन्ड, और क्या, निगेटिव चार्ज। तो देखिए, एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, तीन सिग्मा बॉन्ड और एक निगेटिव चार्ज, यानी चार है, तो इसमें हम क्या करते हैं, sp3, ठीक है, sp3 होता है। और इसका शेप देखेंगे, शेप इसका होता है ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, इसका ट्राइगोनल प्लेनर होता है, देखिए इसे शेप होता है, कार्बन हो गया ही, एक इधर दिखाते हैं, जो ये क्या होगा, प्लेन की तरफ हो गया, अंदर की तरफ, और ये क्या होगा, ये आपके तरफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपके तरफ, यानी ऊपर की तरफ, और ये आपके इस साइड में हो जाएगा। ठीक है, तो ट्राइगोनल प्लेनर बन रहा है कि नहीं, इसका ट्राइगोनल प्लेनर बन रहा है। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहता है वो यहाँ पे रहता है, निगेटिव चार्ज, ठीक है, यहाँ पे रहता है, तो ट्राइगोनल प्लेनर हो गया इसका। देखिए, हाँ ठीक है, तो ये दो हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें भरेगा, इसमें भरेगा, तो इसका ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगा। ठीक है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल
समझ गए, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा कार्बन आयन का sp3 और ट्राइगोनल बाईपिरामिडल इसका शेप होगा, समझ गए। और आइए आपको और एक एग्जांपल लेते हैं लोग। एग्जांपल में देखिए, जैसे यहाँ पे कार्बन आयन है मेरा CHH और यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, ठीक है, और एक है CH2, ठीक है, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, और एक है CH3, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, यहाँ भी CH3 है आपका, एक है यहाँ CH3 कार्बन माइनस लगा हुआ है, CH3, ओके, समझ गए, क्वेश्चन है ये। इसी एग्जांपल से हम लोग समझ पाएंगे कि कौन कार्बन आयन का ज़्यादा स्टेबिलिटी है और कौन कार्बन आयन का कम स्टेबिलिटी है। तो देखिए यहाँ पे है हाइड्रोजन सिरप पे लगा हुआ है, ठीक है, तो हाइड्रोजन तो प्लस आई इफेक्ट शो नहीं करता है, बहुत कम करता है लेकिन बहुत कम, ना के बराबर ही, तो ये क्या करेगा, इस पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी नहीं बढ़ा सकता है, यानी सबसे ज़्यादा क्या मानेंगे हम, 1, 2, 3, 4, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इसका स्थायित्व तो होगा, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है इसके पास, इलेक्ट्रॉन का कमी नहीं है, इस पे हम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो क्या होगा, देखिए जैसे यहाँ देखिए प्लस आई इफेक्ट है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, तो इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो ये स्टेबिलिटी इसका क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और यहाँ पे एक प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ पे 2 प्लस आई इफेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे 2 प्लस आई इफेक्ट है, तो दोनों तरफ से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी इस पर बढ़ जाएगा कार्बन पे, ठीक है, और यहाँ पे 3 प्लस आई इफेक्ट है, 3 प्लस आई इफेक्ट, तो इस पर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर बढ़ा देगा, इस कार्बन पे बहुत ज़्यादा, यानी सबसे कम अस्थायित्व ही होगा, उससे कम ई, तो इसे तो आपका अस्थायित्व का क्रम लिखेंगे तो सबसे ज़्यादा मेरा अस्थायित्व होगा 1, उससे कम 2, उससे कम 3, उससे कम 4, यानी सबसे कम हमारा 4 का अस्थायित्व होगा, तो हम लोग समझ पाएँ, ठीक है। और एक क्वेश्चन और हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास है कॉपी पे लिखा हुआ, देखिए मान लेते हैं NH2, इसके पास NH2 है और इस पे निगेटिव चार्ज है, यानी इसके पास भी इलेक्ट्रॉन का कमी नहीं है, इलेक्ट्रॉन का कमी नहीं है, तो आप समझ सकते हैं, तो ये देखिए मान लेते हैं इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, नाइट्रोजन का यहाँ से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन छीन लेगा दोनों इलेक्ट्रॉन, तो दोनों हाइड्रोजन को ले नहीं, हाइड्रोजन और कार्बन में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, कार्बन का, तो ये क्या करेगा, अपने तरफ दोनों को, दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ छीन लेगा, तो इस पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज, और इस इलेक्ट्रॉन को ये निगेटिव चार्ज छीन लेगा, तो ये क्या बनाएगा, NH3 प्लस एक NH2 है और ई एच को छीन कर लाएगा तो NH3 बन जाएगा, और क्या बनाएगा, यहाँ पे C CH, यानी यहाँ पे निगेटिव चार्ज, तो कार्बन आयन का रिएक्शन था ये, देखने कार्बन आयन कैसे बनता है, तो समझ पा रहे हैं आप, तो आज हम लोग क्या पढ़ लिए, कार्बन आयन को हम लोग पूरा बढ़िया से समझ गए, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको एक बार और देखें, बढ़िया से समझ पाइएगा, और कल हम लेकर आ रहे हैं कार्बन फ्री रेडिकल के बारे में, कार्बन फ्री रेडिकल हर रोज़ एक नए टॉपिक एक नए कॉन्सेप्ट के साथ कंसेप्ट सीरीज में हम आते हैं, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो कंसेप्ट सीरीज से जुड़े रहें और रोज़ एक नए वीडियो देखिए, तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।